हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छी होंगे और आप लोगों की दुआ से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों से अपना होम शेयर करने वाली हूँ, आई मीन कि मेरे अपना घर दिखाने वाली हूँ, होम टूर कराने वाली हूँ। तो आप लोगों तो मैंने सोचा है कि चलो, मैं इतने दिन से ब्लॉग बना रही हूँ लेकिन मैंने आप लोगों को अपना होम नहीं दिखाया कि मेरा घर कैसा है। तो मैं आज बस ज़्यादा नहीं, छोटा सा ब्लॉग बनाऊँगी जिसमें मैं आपको अपना घर दिखाऊंगी। तो फिर चले चलते हैं। सो गाइस, ये मेरा न्यू घर बन रहा है यहाँ पे, जो आप लोग देख सकते हैं। ये न्यू घर है हमारा, जो अभी रेडी नहीं हो रहा है, थोड़ा रेडी हो चुका है लेकिन और होने वाला है। अभी इसकी काम चल रही है, स्टार्ट तो बहुत पहले हुई थी लेकिन कुछ दिन से इसकी काम नहीं हो रही थी, घर पे फंक्शन थे इसलिए। तो अभी इसकी काम चल रही है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं ऊपर ये फॉल सीलिंग होगी और ये विंडो है, इधर दो विंडो इधर है एंड एक इधर है और एक विंडो इधर है और एक इधर है। और ये यहाँ पे ये पूरा हॉल है, देख सकते हैं। और ये एक रूम है, इसमें भी एक विंडो है। ये स्टडी रूम है, यहाँ पे पढ़ाई होगी। यहाँ भी ऊपर फॉल सीलिंग होगी और ये वो ये बाथरूम है, देख सकते हैं आप लोग। अभी इससे काम चल रहे हैं, अभी ये कंप्लीट नहीं होगी लेकिन जब कंप्लीट होगी तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कंप्लीट होने के बाद। तो ये तो अभी रेडी हो रही है, मैं आपको दिखा दी, लेकिन जब ये अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी तो मैं आपको शेयर करूंगी। अभी मैं चलती हूँ, अब उधर की साइड चलती हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। चले भी तो ये है हमारा बालकनी, देख सकते हैं। अभी मैं जा रही हूँ हॉल में, ये हॉल है हमारा, देख सकते हैं। इधर ये टीवी लगी है, ये कैमरा है एंड देख सकते हैं। मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। और इधर आप लोग सोचते होंगे ये क्या है। गाइस, ये पहले किचन थी हमारी पुरानी, लेकिन एक मिनट में लाइट जला देती हूँ। लेकिन अब ये स्टोर रूम है, आप देख सकते हैं स्टोर रूम की हालत कितनी बुरी होती है, क्योंकि घर के सारे सामान ना स्टोर रूम में ही होते हैं। सो आप देख सकते हैं स्टोर रूम की हालत। बहुत अच्छी सनलाइट आ रही है, सोचा ले लेती हूँ सन की, वेरी नाइस व्यू। तो अब मैं जाती हूँ नेक्स्ट रूम में। तो ये रूम है मेरे पापा का, देख सकते हैं। यहाँ पापा और मम्मी रहते हैं इस रूम में, देख सकते हैं आप लोग। ये पूरा मैं दिखाती हूँ आपको, एक इस साइड से भी गेट है हॉल की साइड से और एक इधर से भी गेट है, आई मीन टू गेट है। तो अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट मेरे रूम में, मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। तो ये है मेरा रूम, आई मीन मेरा रूम नहीं है, यहाँ पे हम सिस्टर्स सोते हैं, देख सकते हैं। अभी टाइम हो रहे हैं 4:20। तो गाइस, ठंड में तो आप जानते हैं ना रूम का क्या हाल होता है, एक्स्ट्रे कपड़े निकल जाते हैं। सो वही हो रहा है, यहाँ पे कंबल रखे हुए हैं और क्या करें, भाई हमारे बहुत वो लोग रूम को हमेशा गंदा करते रहते हैं, हमेशा इस रूम में आके ही रहते हैं। और ये मेरी स्टडी टेबल है जहाँ मैं पढ़ती हूँ, देख सकते हैं। और ये बेड है और ये मिरर जहाँ पे मैं मेकअप करती हूँ। तो मैं दिखा देती हूँ इसके अंदर क्या क्या है, देख सकते हैं कितने सारे सामान हैं। गाइस, एक चीज़ तो आप लोगों के साथ भी होता होगा, आप ये कितना भी ये सही कर ले ये मिरर के अंदर के सामान, लेकिन ये
खराब हो ही जाती है ना। मेरे साथ तो हमेशा होता है, अगर आप लोगों के साथ भी होता हो तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। ओके, तो अब नेक्स्ट बचा किचन। चले मैं किचन चलती हूँ, आपको अपना किचन दिखाती हूँ। हमारे जस्ट रूम के साइड में ही किचन है, मैं लाइट ऑन कर लेती हूँ ताकि अच्छे से आप लोगों को दिखे। तो ये है हमारा किचन, देख सकते हैं आप लोग। जहां मैं खाना बनाती हूँ, अभी काम वाली आई नहीं है तो बर्तन वैसे ही रखे हुए हैं। देख सकते हैं ये किचन है हमारे, मैं आपको दिखाती हूँ, इस साइड से दिखाती हूँ मैं किचन में। इधर से भी दो गेट हैं, एक इधर से और एक इधर से, तो इधर से मैं पूरा आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं। मैं हॉल में आ चुकी हूँ, मैं यहाँ पे आराम से बैठकर टीवी देखती हूँ और यहाँ पे बैठकर चाय भी पीती हूँ, शाम की चाय पीती हूँ मैं, बहुत मज़ा आता है, देख सकते हैं आप लोग मुझे। मैं तो बहुत इंजॉय करती हूँ यहाँ पे बैठकर टीवी देखती हूँ, आप लोग भी अपने घर में करते ही होंगे इंजॉय चाय के साथ। तो मैं अभी चाय बनाऊंगी तो आप लोगों से शेयर करूंगी। ओके, फिर यहाँ पे आप लोगों के साथ बैठकर पीते हैं। तो मैं चलती हूँ चाय बनाने के लिए। जीजू आप भी पियेंगे चाय क्या? हाँ बना लो, पी लेंगे थोड़ा बहुत। आज पीना है? देखते हैं आज ओके, तुम्हारे बनाते हैं हाथ का चाय चाय। ट्राई करते हैं। ओके ठीक है। तो यहाँ पे मेरी चाय रेडी हो चुकी है, शाम की चाय जो मैं पीती हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे आदत है शाम में चाय पीने की। मेरी चाय और बिस्किट रेडी हो चुकी है, तो मैं जा रही हूँ अब हॉल में। मैंने बहुत ज़्यादा चाय बना ली है, सो अभी तक ये ख़त्म ही नहीं हो रही है, बट बहुत टेस्टी चाय बनी है। जीजू साइड में बैठे हैं मुंह छिपा कर, क्योंकि ये चाय नहीं पीते इसलिए बैठे हैं, और आप ही को नहीं दिखा सकती हूँ। और सॉरी गाइस, मैंने आपको वो वाला कमरा नहीं दिखाया क्योंकि उसमें बाबू हुए ना, बाबू को नहीं दिखा सकती हूँ ना वो कमरा, क्या सॉरी मिस्टेक हो गया। आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, मैं बहुत सैड हो गई थी कि मैं आपको सारा कमरा नहीं दिखा सकती, तो बाबू चली गई है ना अपनी नानी के पास, तो मैं चलती हूँ आप लोगों को वो कैमरा, सॉरी वो कमरा दिखा देती हूँ गाइस। चले फिर, तो चले चलते हैं, मैं आपको बेबी कमरा भी दिखा देती हूँ। और आपको पता ना कि बेबी के रूम की हालत ऐसी ही रहती है, देख सकते हैं आप लोग, इस रूम में बेबी रहती है, मेरी क्यूट सी बेबी रिमशा। तो देखिए रूम की हालत कैसी हो रही है, ये देखें, ये बेबी का पालना है, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे इतनी सारी दवाइयाँ हैं, यहाँ भी दवाइयाँ हैं। तो ये है हमारा तीसरा कमरा, देख सकते हैं आप लोग। मन्नत, मन्नत आ गई तुम, देखो यहाँ, आप लोगों ने मेरी कभी ब्लॉग में मन्नत को नहीं देखा होगा, तो ये मन्नत है जो मेरे घर में आती है। तुम कितने साल से आ रही हो यहाँ? 4 साल से। 4 साल हो गए इसे यहाँ मेरे घर पे आते हुए। अरे मैं इसकी बात कर रही थी ना कि अभी मन्नत नहीं आई है इसलिए बर्तन रखा हुआ है, अब देखे ये आ गई है ना मन्नत। ये शर्मा रही है, ये बोल रही वीडियोस बना रही है। अच्छा ना, तुम भी आ जाओगे मेरे ब्लॉग्स में मन्नत। गाइस बहुत अच्छा लग रहा है मुझे छत पे, इतनी अच्छी हवाएं चल रही है, लग रहा है ना गर्मी का मौसम आ गया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं। दिल कर रहा है छत पे रहूं, नीचे नहीं जाओ, बहुत अच्छा व्यू है शाम के टाइम पे, तो छत पे मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी जाते होंगे शाम के टाइम पे छत पे। ये देखो कितनी शोर कर रही है, बच्चे लोग नीचे खेल रहे हैं, मैं भी बच्ची तो मैं भी बहुत खेलती थी नीचे जाकर और बहुत सारी मस्ती करती थी, बट अब तो बड़ी हो गई हूँ, अब नहीं खेल सकती। गाइस देखिए ट्रेन आने वाली है, हमारे छत से ट्रेन भी दिखाई देती है, मैं आपको भी दिखाऊंगी गाइस,
ये देखिए ट्रेन आ रही है। तो गाइज़ मैं अब ब्लॉग को एंड कर रही हूँ यहाँ पे। तो अगर आपको मेरी होम टूर ब्लॉग पसंद आई होगी तो आप लोग ज़रूर लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो फिर मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। पता नहीं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग कब आएंगे, सो जब भी आएंगे कोशिश करूँगी डेली एक ना एक ब्लॉग डालूँ। तो आप लोग अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सब्बा खैर।